हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो इन चैनल जिसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या करना है, क्लियर स्पैन ऑफ बीम 3000 mm। ये पहले गिवन डाटा देख लीजिए क्या क्या है, यहाँ पर निकालना है 3000 mm। फ्रेंड्स, जो आपको एल है कुछ भी दे देगा आपको, वो आपको डिस्टेंस, वो आपकी जो एल आएगी कहाँ से आएगी, वो कॉलम आएगी ग्रिड लाइन से या फिर आपके कॉलम के डिस्टेंस से। आपको फ्रेंड्स ये कॉलम है, कॉलम की विड्थ आपको ड्राइंग में मिल जाएगी, कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ये नहीं है कि आप इसकी चौड़ाई घुमा दिया कॉलम। फ्रेंड्स 450 सपोज कीजिए, 4 है और इंटू ये 50 है, या फिर 300 इंटू 450 है, या आपको लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर आपकी कॉर्नर में सपोज़ कीजिए आप इस तरह से हो सकता है, और ये वाला कॉलम इधर से हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ से मिलेगी आउटर। तो कॉलम जो भी आपको होगा वो आप इसमें रख देना, जो आपकी इधर चौड़ाई कॉलम अगर इस तरह से है, इस तरह से रख देना, इस तरह से है। तो ये विड्थ एंड ब्रेथ आपको कॉलम की ड्राॅइंग पर मिलेगी। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको सिंपल मैथड। ओके, विड्थ बता दूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर। सपोज़ कीजिए मैं दोनों कॉलम की चौड़ाई इस तरह से ले रहा हूँ, एक ही साइज ले रहा हूँ, विड्थ ऑफ कॉलम 450 mm ले रहा हूँ मैं। ओके, सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे कॉलम 450 का है, ये यहाँ से ये विड्थ है आपकी कॉलम की 450 है। ओके, इधर से भी आपकी कॉलम की विड्थ 450 है सपोज़ कीजिए। ओके, उसके बाद अपने डेवलपमेंट लेंथ फ्रेंड्स क्या लेते हैं, मिनिमम 15 to D बीम के लिए। वो डिपेंड करता है आपके ड्राइंग पे, आपको गिवन होगा। फ्रेंड्स मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ उसमें देख सकते हैं एज पर ड्राइंग नोट्स, जो आपके नोट्स में होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ड्राइंग स्टडी करने आने चाहिए, आपके नोट्स में क्या गिवन है, रेनफोर्समेंट क्या गिवन है, उसमें LD क्या गिवन है। LD ड्राइंग में गिवन होता है। ओके, कि आपको LD क्या लेना है, 15 to D लेना है, 49 to D लेना है। वो आपको ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के अकॉर्डिंग LD की लेंथ दे देगा, कितना आपको लेना है। ओके, क्लियर कवर आपको पता है बीम के लिए 25 mm होता है। ओके, इसमें फ्रेंड्स क्या दिया, फ्रेंड्स यहाँ पे क्रैंक बार, आपके क्रैंक बार किस तरह से आएगा, इस तरह से क्रैंक बार होके इस तरह से आ जाता है। ओके, फिर आपका टॉप थ्रू बार आपको देना इस तरह से, एंड बॉटम बार यहाँ पे आपको इस तरह जो इसका सेक्शन फ्रेंड्स इस तरह से इसका सेक्शन काटा, तो ये फ्रेंड्स सेक्शन है आपका सेक्शन AA, तो इस तरह से आपका सेक्शन में कटा है। तो बॉटम में फ्रेंड्स क्या है, तो 3 उसने क्या गिवन किया, 3 है 16 कर दिया बस। तो इसका मतलब क्या है, 3 बार है एंड 16 नंबर के हैं, 16 डाया है, 3 बार है। ओके, उसके बाद क्या है, 2 हैज 12, तो इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, 2 नंबर आपके ये 2 नंबर है बेंट अप बार जो इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, ये सेक्शन में दिखा रहा है, और डाया 12 mm। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये दिखा रहा है टॉप पे थ्रू आउट, तो इसमें क्या दिखा रहा है, 2 बार 16 के, इसने 2 बार 16 की दी है फ्रेंड्स। इसमें आपका ये कंप्रेशन जोन, ये आपका टेंशन जोन, टेंशन जोन में हमेशा रेनफोर्समेंट कभी भी देखना उसमें ज़्यादा होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब फ्रेंड्स। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक टेबल बना दी है जहाँ पे आपको पार्टिकुलर डाया ऑफ बार आपको जो जो है आपके पास, उसके बाद नंबर्स ऑफ बार, ये आपके जो डाया है वो कितने नंबर हैं, उसके बाद आपके कटिंग लेंथ आएगी, यहाँ पर लेंथ भी लिख सकता हूँ कि टोटल लंबाई क्या आई एक बार की, वेट किलोग्राम पर मीटर, आपके किलोग्राम आएगा पर मीटर में, एक मीटर में आपका कितना वेट है, एक 16 mm का उसका एक मीटर में कितना वेट है, और क्वांटिटी आएगी टोटल नंबर्स ऑफ बार इनटू लेंथ ऑफ बार और प्लस वेट ऑफ 1 बार। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने फ्रेंड्स रिमार्क में इसका सेक्शन बना दिया, टॉप बार किस तरह से शेप आएगा, इस तरह से आएगा रिमार्क में समझाने के लिए, बॉटम बार इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको ये आपकी यहाँ से बीम से LD है। ओके, ये आपकी LD आ जाएगी, यहाँ से हमेशा LD लेते हैं, इधर से यहाँ से एंड ये टॉप तक LD। मैंने 2 ड्राइव बना चुका हूँ, उसमें आप देख भी सकते हैं कितना है, LD दे देगा, या फिर LD प्लस डाया कुछ भी दे सकता है, 10 into D प्लस वो 10 into D क्या देगा फ्रेंड्स, ये जो आप ये बैंड करते हैं फ्रेंड्स, ये बैंड करते हैं जैसे हुक, एक हुक में लेते हैं 10 into D लेते हैं, तो 10 into D दे देगा प्लस LD दे देगा। क्लियर, जब का हो गया उधर आपके इस बेंट अप बार इस शेप इस तरह से आएगी, बेंट अप बार की इस तरह से आई, इस तरह से। ओके, उसके बाद आपका स्ट्रैप, चलिए फ्रेंड्स लेंथ निकालते हैं। पहले इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स क्या क्या गिवन है, टॉप बार में क्या गिवन है, पहले वो लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, 2 बार है, 2 बार है 16 के, तो फ्रेंड्स नंबर सो बार 2 है, डाव बार 16। चलिए अब बॉटम में देखते हैं, बॉटम में क्या क्या गिवन है, बॉटम में फ्रेंड्स 3 बार है 16 के, तो 16 और नंबर सो बार 3। चलिए बेंट अप बार देखते हैं, बेंट अप बार फ्रेंड्स 2 नंबर है 12 mm के,
तो टू नंबर 12 mm. ओके, स्टब नंबर्स नहीं आए, स्टब के नंबर्स आएंगे यहाँ यहाँ से इससे. क्लियर. और स्टब की देखिए फ्रेंड्स क्या गिवन है, स्टब का 8 mm डाया है स्टब का एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर ऐसे दे देगा, कुछ भी ड्राइंग में आपको जो गिवन होगा. पहले सबसे हाउ टू रीड स्टडी ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड और आर्किटेक्ट ड्राइंग, उस सभी में ड्राइंग आपको बता चुका हूँ, फाउंडेशन, फुटिंग, आइसोलेटेड कॉलम, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग. उसके बाद देखना फ्रेंड्स आपको स्टरअप, स्टरअप 8 mm स्टरअप है और लंबर सब स्टरअप आएंगे बीम से. क्लियर. चलो आप शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना फ्रेंड्स हमें, टॉप बार की लंबाई, कटिंग लेंथ की लंबाई, कटिंग लेंथ की लंबाई क्या आएगी यहाँ पे आपको फ्रेंड्स, टॉप बार, टॉप बार यहाँ पे आपको फ्रेंड्स क्या गिवन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर स्पैन है एल, एल 3000 mm. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करता हूँ 3000 mm. उसके बाद प्लस को यहाँ पे गुआ यहाँ तक आया हुआ है कॉलम की चौड़ाई 450 और उसके बाद आपको ये LD. तो 450 हम नहीं लेंगे बिकॉज उसने यहाँ पे जो LD लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक दे देगा आपको LD या फिर आपको दे देगा कॉलम की चौड़ाई और प्लस LD जो आपको बैंड दे देगा यहाँ से. तो मिनिमम फ्रेंड्स LD यहाँ तक ले लेता हूँ मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक. ओके चलिए तो 300 प्लस LD ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, LD एक LD यहाँ पर है, एक LD डेवलपमेंट इधर है इस बीम से यहाँ तक. ओके प्लस LD, दो LD हो गई. और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस डिडक्शन, डिडक्शन क्या करना है फ्रेंड्स, रिडक्शन करना है फ्रेंड्स हमें बेंड, बेंड फ्रेंड्स 90 डिग्री के लिए मैंने बना चुका हूँ 45, 90 एंड 135 एंड 180 डिग्री के लिए कितना बेंड रिडक्शन करते हैं. तो यहाँ पे बेंड फ्रेंड्स क्या 1 एंड 2, तो फ्रेंड्स 2 इंटू बेंड कितने फ्रेंड्स 2, 1 अगर 90 डिग्री बेंड होता है उसके लिए फ्रेंड्स करते हैं 2D, तो 2 इंटू D. तो 3000 प्लस 1 LD कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 50 इंटू डाया बार कितना है टॉप का, यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं, टेबल मिल जाएगा सब, टॉप बार 16, तो यहाँ पे देख लेते हैं 16. ओके 2 LD है तो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ, माइनस 2 इंटू 2, डाया ऑफ बार कितना है फ्रेंड्स, डाया ऑफ बार यहाँ पे कितना बैंड का और टॉप बार का 16, तो इंटू 16. चलिए इसका कैलकुलेशन निकलते हैं, टॉप बार की कैलकुलेशन आ जाएगी. ओके तो यहाँ पे क्या गिवन है, टॉप बार 3000 प्लस ब्रैकेट कर देते हैं और 50 इंटू 16 ब्रैकेट बंद इंटू 2, चलिए उसके बाद माइनस उसके बाद फिर ब्रैकेट और 2 इंटू 16 फिर ब्रैकेट बंद. चलिए अब देखते हैं कटिंग लेंथ कितनी आई, 4.53. तो उसकी लेंथ कटिंग लेंथ आई फ्रेंड्स 4.536 मीटर. ओके तो यहाँ कटिंग लेंथ आई फ्रेंड्स 4.536, इसको mm में आया, ये mm डिवाइड करने के लिए 1000 से मीटर में कन्वर्ट किया. ओके टॉप बार क्या आपको पता है फ्रेंड्स, जो टॉप बार की लेंथ आएगी वही बॉटम की आएगी बिकॉज बीम का साइज एक है और लंबाई चौड़ाई सेम एक है. ओके तो आ गई आपकी टॉप बार, अब आपको आएगा फ्रेंड्स बॉटम बार, बॉटम बार में भी सेम फ्रेंड्स यही आएगी 4.536. ओके अब देखना है फ्रेंड्स वेट, वेट आएगा फ्रेंड्स आपको यहाँ से वेट पर मीटर, तो वेट पर मीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 16 × 16 / 162, तो फ्रेंड्स 1.58, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं 1.58. ओके चलिए फ्रेंड्स वेट बाद में निकाल लेते हैं, अब पहले बॉटम बार की भी आ गई 16 mm है तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स 1.58 आएगा. क्लियर. अब देखते हैं फ्रेंड्स बैटम बार, बैटम बार की लंबाई निकालनी है अब हमें फ्रेंड्स, आपको गिवन है यहाँ पे बेंटम बार, बेंटम बार की लंबाई क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, निकालते हैं बेंटम बार की कटिंग लेंथ. बेंटम बार निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या था हमारे पास, बीम, बीम का क्लियर स्पैन फ्रेंड्स होता है क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन था 3000 प्लस इसमें तो बोथ साइड दोनों तरफ क्या लेते हैं LD, तो 2 × 1 साइड LD है, 1 साइड LD है, तो LD. ओके उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ये हो गया प्लस जो ये फ्रेंड्स ये होता है क्रैंक बार, क्रैंक बार के लिए 1 के लिए ये 2 बार है,
तो 1 के लिए क्या लेते हैं 0.414 इंटू एच, ओके। उसके बाद माइनस करते हैं डिडक्शन बैंड, बैंड कितने फ्रेंड्स 45 के लिए फ्रेंड्स वहाँ पे 1, ओके फ्रेंड्स जो बैंड हो गया ऐसे आ रहा है जो सही है फ्रेंड्स। बैंड के लिए फ्रेंड्स वीडियो बना चुका हूँ उसमें देख लेना आप, तो 195 डिग्री है तो फ्रेंड्स ये कितना है 4 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट तो 1 के लिए डी होता है ओनली डी। चलिए माइनस और क्या करना है टू बैंड, 1 बैंड एंड 2 बैंड, तो 2 इंटू 1 के लिए कितना होता है 2D, तो 2D कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स पहले इसमें क्या निकालते हैं फ्रेंड्स MH, H निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या है इसमें फ्रेंड्स ये बीम की डेप्थ ब्रेथ क्या होगी, बीम की डेप्थ ले लेते हैं फ्रेंड्स, सपोज कीजिए बीम की डेप्थ ले लेते हैं हम यहाँ पे 500, ओके फ्रेंड्स 500 mm बीम की डेप्थ ले लेते हैं, तो 500 माइनस दोनों तरफ फ्रेंड्स क्लियर कवर वो टॉप एंड बॉटम, तो क्या आएगा टॉप का 25 माइनस बॉटम का 25, ओके माइनस 25 हो गया। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं एच ओ माइनस इसके सेंटर में जाना है हमें, इस बार के सेंटर में जाना है, तो बार के सेंटर में जाने के लिए क्या आएगा 12 इंटू 12, तो 12 क्या था 6 माइनस 6, ओके तो ये फ्रेंड्स आएगा हमारा एच। देखिए फ्रेंड्स कितना आता है 500 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 6 इक्वल टू 438, ओके फ्रेंड्स तो 500 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 12 इक्वल टू 438 और डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू उस पर हम 438 रख लेते हैं पहले, यहाँ पे हम 3000 प्लस 2 इंटू 1 एनएलडी के लिए कितना होता है 50 इंटू डायो बार कितना है 12 क्रैंक बार के लिए प्लस 2 इंटू 0.414 लेते हैं, ये वीडियो बना चुका हूँ देख लेना आप क्रैंक बार की कटिंग लेंथ किस तरह निकालते हैं उसमें, और एच एच का फ्रेंड्स यहाँ पे आया हमारा 438। चलिए माइनस 4 इंटू यहाँ पे डायो बार कितना है 12 माइनस 2 इंटू 2 डायो बार 12। चलिए अब हम इसमें रख देते हैं और कटिंग लेंथ निकल जाएगी इसमें, तो 300 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 12। चलिए इसको कैलकुलेशन कर दे पहले, उसके बाद है प्लस आंसर प्लस 2 इंटू 0.414 इंटू 3000 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 12 इक्वल टू 4200। उसके बाद करना है प्लस और 2 इंटू 0.414 इंटू 438। चलिए उसके बाद माइनस 4 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 12 इक्वल टू 4466.6। इसको डिवाइड करना है 1000 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 4.46 ये ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे जो टेबल है कटिंग लेंथ हमारे पास आ गई इसकी 4.46, ओके। अब स्टब की लेंथ निकालते हैं, स्टब के कितने नंबर्स हैं, स्टब के नंबर्स और कटिंग लेंथ फ्रेंड्स, कटिंग लेंथ में कई बार बता चुका हूँ उसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बीम की डेप्थ है हमारे पास 450 और डेप्थ है हमारे पास 500 फ्रेंड्स। हमसे पहले लेते हैं इस तरह से रिंग है हमारे पास, ओके जो ये हमारे पास ये डेप्थ है 500 ओके, और कॉलम का साइज फ्रेंड्स क्या है 400 अंदर से फ्रेंड्स वो 450 इंटू 300 है, कॉलम का साइज इस तरह से है जैसे टॉप से है ये कॉलम है, बीम हमारे पास इस तरह से टॉप से इस तरह से गई है, ओके। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई यहाँ इधर से ये कॉलम की चौड़ाई फ्रेंड्स क्या आई यहाँ पे 450, और ये वाली है हमारे पास सपोज कीजिए 300 ओके, इस तरह से सपोज कीजिए 300 है 300 mm ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं 300 यहाँ पे मैं 300 ले लेता हूँ ओके 5 हम निकाल रहे हैं उसका बीम के लिए,
बीम के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बीम है, ये आपका बीम है, ये आपका टॉप से दिखेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका बीम है। बीम की डेप्थ है बस इसको चौड़ाई चाहिए, इसके अंदर अंदर की कॉलम की जो विड्थ है 450 है, चौड़ाई 300, तो यहाँ पे 300, तो 300 यहाँ पे 50 ये आपकी डेप्थ और इसकी चौड़ाई, तो इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो 300 आपका ए आपका 300 एंड बी आपका 500, तो फ्रेंड्स ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या आएगा, 300 माइनस क्लियर कवर 25 माइनस क्लियर कवर 25 माइनस ईस्ट आपका डाया 8 mm। चलिए आपका बी आएगा अब 500 माइनस क्लियर कवर 25 माइनस 25 माइनस 8। मैं वीडियो बना चुका हूँ उसमें देख लेना, यहाँ पे हमें चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिंग, यहाँ पे जो आपका रिंग आएगा अंदर अंदर आएगा ये, तो दोनों साइड क्लियर कवर लेस हो गया है बॉटम से भी टॉप से भी, तो बीम का टाप टॉप का टाप, हमें आपका रिंग का इससे क्या निकलेगा पैरामीटर, रिंग का पैरामीटर की लेंथ निकल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, 300 माइनस 25 माइनस 25 माइनस यू 8 इक्वल टू 242। ओके अब ये निकालते हैं 500 माइनस 25 माइनस 25 और माइनस 8 इक्वल टू 442। ओके आपकी ये भी आ गया लेंथ, ये भी आ गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें क्या अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस कटिंग लेंथ निकालनी है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या फार्मूला है, 2 into a ओके प्लस 2 into b ओके चलो प्लस, अब वन हुक होते हैं फ्रेंड्स, दो हुक हैं, वन हुक एंड टू हुक, वन हुक के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं 10d। चलिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस डिडक्शन, अब किसमें दो हुक है वन एंड टू, कितने हैं 135 के लिए, तो 135 के लिए 2 into 3d और 1 2 3 थ्री हुक है, तो थ्री बैंड के लिए हम क्या करते हैं 2d 90 डिग्री बैंड है ये 1 2 3। तो अब इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं, 2 into a क्या फ्रेंड्स 242, चलिए 242 निकाल देता हूँ यहाँ पे प्लस, और 2 into b क्या है 442 प्लस 2 into 10 into d क्या है डायोबार 8 mm और 2 into 3 डायोबार 8 mm माइनस 3 into 2 डायोबार 8 mm, तो फ्रेंड्स इससे आपका आ जाएगा लेंथ, तो 2 into 242 ओके प्लस 2 into 4 2 चलिए प्लस 2 into 10 into 8 उसके बाद है माइनस 2 into 3 into 8 इक्वल टू 1480 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 1.48। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स आया 1.48, कटिंग लेंथ हमारे पास 1.48। अब चाहिए फ्रेंड्स नंबर्स ऑफ स्टिरअप, नंबर ऑफ स्टिरअप फ्रेंड्स कैसे आएंगे देखिए फ्रेंड्स, हमें नंबर ऑफ स्टिरअप निकालने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ स्टिरअप टोटल लेंथ यहाँ से एंड यहाँ तक लेंथ कितनी है फ्रेंड्स वो देखते हैं पहले। एल कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे, एल 3000 mm चलिए 3000 प्लस, और इधर बीम का साइज कितना है 450, कॉलम का साइज 450, इधर भी आपका 450 है 450। चलिए उसमें से अब माइनस क्लियर कवर, इधर क्लियर कवर है कॉलम बीम में, इधर क्लियर कवर है, तो माइनस 25 माइनस 25 ओके। चलिए ये आपका ही हो गया, ये आपके बाहर से बाहर तक आ जाएगा, आ गया है। अब उसमें क्या करना है फ्रेंड्स, 3000 माइनस 450 माइनस 450 ओ सॉरी 3000 प्लस 450 3000 प्लस 450 प्लस 450 माइनस 25 माइनस 25 तो क्या आ जाता फ्रेंड्स 385 डिवाइड बाई 3850 है फ्रेंड्स लेंथ आ गई आपकी टोटल आउटर से आउटर तक की, इस यहाँ इस बार से इस बार तक की 3850 ओके। अब इसको हमें क्या करना है डिवाइड, इसको हमें डिवाइड करना है, वन रिंग की स्पेसिंग क्या है फ्रेंड्स, वन रिंग की स्पेसिंग है 150, तो वो डिवाइड बाई 150 प्लस वन करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि करते हैं शुरू से जो बीम रिंग की स्टार्ट करते हैं उस प्लस वन करते हैं, तो फ्रेंड्स वही कर लेते हैं यहाँ पे 3850 डिवाइड बाई 150 इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू 26.66 तो 26.66 या फिर इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 27 नंबर्स।
ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या निकल गया आपका, टेबल बन गया आपकी 27 नंबर्स। अब इसको कैलकुलेशन करते जाइए। 12 mm के लिए फ्रेंड फार्मूला क्या होता है, 12 × 12 डिवाइड बाई 162 इक्वल टू 0.888 0.888। ओके, ऐसे ही 8 mm का निकालते हैं, 8 × 8 डिवाइड बाई 162 इक्वल टू 0.395। ओके, अब क्या करना फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ओनली इन तीनों के, इन तीनों के कैलकुलेशन करेंगे, वेट नंबर्स, वेट आ जाएगा। नंबर्स ऑफ बार है आपके पास, कटिंग लेंथ एक लेंथ इतना है और एक मीटर में इतना सरिया होता है। तो 2 × कटिंग लेंथ 4.56 × 1 मीटर के लिए होता है आपके पास, ये मीटर आ गए टोटल, 1 मीटर के लिए 1.58 इक्वल टू 14.40 kg। इस तरह से आपका केजी आ जाएगा। जैसे इन तीनों को कैलकुलेशन करते जाते हैं, आपका आ जाएगा 3 × 4.46 × 1.4536 536 × 1.58 इक्वल टू 21.50 kg। इस तरह से कैलकुलेशन करते जाएंगे आपका वेट आ जाएगा। ओके, एंड टोटल वेट आपका, इन चारों को वेट करेंगे आपको, टोटल वेट आपका आ जाएगा तो किलोग्राम में। ओके फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन इंक्वायरी, तो वीडियो लाइक करना, जरूर करना, कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।